सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं यहाँ पर iQOO की दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पर iQOO Z3 स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो गाइस आप सभी के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि दोस्तों Android 12 बेस फन टच OS 12 का जो स्टेबल अपडेट है वो आज यहां पर iQOO Z3 स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अपडेट रोल आउट होना शुरू हो चुका है। तो अगर अभी तक आपको अपडेट नहीं मिला यार, तो सेटिंग में जाकर के जरूर से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों यहां पर iQOO Neo 6 ये स्मार्टफोन भी आज यहां पर Geekbench वेबसाइट पर स्पॉट कर लिया गया है। और दोस्तों Geekbench के हिसाब से इस स्मार्टफोन के अंदर हमें 12 GB तक की रैम, Android 11 का सपोर्ट और साथ ही साथ Qualcomm Snapdragon 888 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। और गाइस ये जो स्मार्टफोन है ये बहुत जल्द अब चाइना में और उसके बाद हमें बहुत जल्द इंडियन मार्केट के लिए भी देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों iQOO की बात हो ही रही है तो यहाँ पर इसके बड़े भाई Vivo की भी बात कर ही लेते हैं। तो Vivo S12 सीरीज, जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई है और ये सीरीज भी हमें बहुत जल्द यानी 22 दिसंबर को चाइना के अंदर लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाली है। और इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें Vivo की वॉच 2 भी इसी दिन लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी चाइना में। और दोस्तों ये सभी के सभी प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर इंडिया में 2022 के Q1 में ही इंडिया में भी लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर iQOO Neo 5S ये जो स्मार्टफोन है इसको लेकर भी एक नई लीक सामने आ चुकी है। और दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर हमें Qualcomm Snapdragon 888 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन दोस्तों आज जो नई लीक निकल कर आई है, इस लीक के हिसाब से इस स्मार्टफोन के अंदर हमें यहाँ पर प्रो डिस्प्ले चिप देखने को मिलने वाली है, साथ ही हम यहाँ पर हीट डिस्पेंसर टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। और गाइस इसकी भी यहाँ पर कुछ इमेजेस वगैरह सामने आई है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों आज यहां पर iQOO 9 सीरीज के दोनों स्मार्टफोन चाइना की 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट कर लिए गए हैं। और दोस्तों चाइना की 3C सर्टिफिकेशन के हिसाब से हमें iQOO 9 स्मार्टफोन के अंदर 4500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जबकि iQOO 9 प्रो के अंदर हमें 4700mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें यहाँ पर 120W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, iQOO 9 सीरीज हमें जनवरी महीने के आसपास में इंडिया में भी लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाली है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आप यहां पर ओप्पो की। तो ओप्पो की तरफ से आज एक नए स्मार्ट ग्लासेस को लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम है यहाँ पर ओप्पो एयर ग्लास। और दोस्तों इसके अंदर हमें यहाँ पर स्नैपड्रैगन 4100 की चिप देखने को मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमें कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे और इसके अलावा यहाँ पर हमें माइक्रो LED स्क्रीन दी गई है। साथ ही साथ 10.5 आवर्स की आपको यहाँ पर बैटरी लाइफ देखने को मिलने वाली है और इसका जो टोटल वेट है वो है 30 ग्राम का। दोस्तों ये जो ग्लास है ये आपको कैसा देखने को मिलने वाला है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये जो ग्लासेस हैं ये हमें Q1 में देखने को मिलेंगे 2022 के। और इतना ही दोस्तों, यहाँ पर आज ओप्पो की तरफ से मारी सिलिकॉन एक्स चिप को भी यहां पर अनाउंस कर दिया गया है। और दोस्तों ये जो मारी सिलिकॉन एक्स चिप है ये एक इमेज प्रोसेसिंग चिप है, जो कि हमें बहुत जल्द ओप्पो की तरफ से आने वाली फ्लैगशिप सीरीज यानी दोस्तों फाइंड एक्स सीरीज, जिसके अंदर हमें ये चिप देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों ये जो सीरीज है ये भी हमें 2022 के Q1 में ही लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाली है। और गाइस अगर आपको याद हो गया तो कल ही मैंने आपको बताया था कि Redmi K50 सीरीज के अंदर हमें एक गेमिंग स्मार्टफोन भी देखने को मिलने वाला है। सो गाइस आज यहां पर डिजिटल चैट स्टेशन जी ने एक और नया ट्वीट कर दिया है। और दोस्तों इस ट्वीट के हिसाब से इस स्मार्टफोन का मॉडल नंबर होने वाला है यहां पर 2112121 0C। और साथ ही साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर हमें यहां पर Corning Gorilla Glass Victus का प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर Xiaomi की 12 सीरीज भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है चाइना में। और गाइस आज यहाँ पर Xiaomi 12 अल्ट्रा स्मार्टफोन का एक और नया बैक कवर लीक हो चुका है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो कुछ अतरंगी कैमरा मॉड्यूल है वो आपको कैसा देखने को मिलने वाला है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर MIUI 13 इसी महीने चाइना में लॉन्च होने वाला है और बहुत जल्द ये हमें ग्लोबल यानी तो इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर MIUI 13 का लोगो सामने आ चुका है, ऑफिशियल लोगो, जो कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और दोस्तों नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर्स के लिए आज यहाँ पर एक काफी अच्छी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। नेटफ्लिक्स ने फाइनली अपने जो सब्सक्रिप्शन प्लान है उनकी जो प्राइस है उन्हें आज यहाँ पर घटा दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो मोबाइल प्लान है वो पहले आपको 199 का देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको मिलने वाला है 149 रुपीज का। साथ ही इसका जो बेसिक प्लान था वो आपको मिलता था 499 रुपीज में, लेकिन अब आपको मिलने वाला है 199 रुपीज में। साथ ही नेटफ्लिक्स का जो स्टैंडर्ड प्लान था दोस्तों वो आपको मिलता था 649 रुपीज की प्राइस पर, लेकिन उसे घटा करके अब यहाँ पर 499 रुपीज कर दिया गया है। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर इसका जो प्रीमियम प्लान था वो आपको मिलता था 799 रुपीज की प्राइस पर, लेकिन वो आपको मिलने वाला है 649 की प्राइस पर। सो गाइस आपको ये गुड न्यूज़ कैसी लगी यार, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर से बता सकते हैं।
और चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर Realme की, तो Realme GT 2 Pro। जी हाँ दोस्तों, आज ये जो स्मार्टफोन है 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट कर लिया गया है और 3C के हिसाब से इस स्मार्टफोन के अंदर हमें यहाँ पर 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों Realme 9i आज इस स्मार्टफोन की एलिजेट यानी इसको ऑफिशियल लाइव इमेजेस लीक हो चुकी हैं जो कि आप अपने स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन का बैक लुक आपको कैसा देखने को मिलेगा वो आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है आज यहां पर FCC और TUV रिनलैंड सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर भी स्पॉट कर लिया गया है और दोस्तों इन दोनों सर्टिफिकेशन के हिसाब से इस स्मार्टफोन के अंदर हमें 5000mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। साथ ही 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट हमें यहां पर देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों अगर आपको याद होगा तो ओप्पो रेनो 7 सीरीज चाइना के अंदर लॉन्च कर दी गई है और ये सीरीज हमें इंडिया में भी 2022 के क्वार्टर वन में देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए आज यहाँ पर ओप्पो रेनो 7 प्रो ये स्मार्टफोन थाईलैंड की NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट कर लिया गया है, जिससे दोस्तों स्मार्टफोन का जो ग्लोबल लॉन्च है वो भी कंफर्म हो जाता है। साथ ही साथ ये जो स्मार्टफोन है ये इंडिया में बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, इससे ये भी यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। सो गाइस अभी सीरीज बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बहुत जल्द हमें इंडिया में देखने को मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन बात कर लेते हैं उससे पहले एक आखिरी न्यूज़ के बारे में। और गाइस आखिरी न्यूज़ से पहले अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों ऐसी और वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपकी डिवाइस पर टाइम टू टाइम मिलती रहें। सो चलिए आज की इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पर Redmi से। और दोस्तों अगर आपको याद होगा तो Redmi Note 11 4G जो कि चाइना में लॉन्च किया गया था, और दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में एज अ Redmi 10 2022 एडिशन के नाम से देखने को मिलने वाला है। सो गाइस आज यहाँ पर Redmi 10 2022 एडिशन Google Play कंसोल साइट पर स्पॉट कर लिया गया है और दोस्तों यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ी सी चेंज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन चाइना में MediaTek Helio G88 के साथ में लॉन्च किया गया था, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर हमें इंडिया में MediaTek Helio G70 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर भी हमें 6.5 इंचेस की फुल एच डी प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इसके अलावा 4 और 6 GB रैम के साथ में स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा, जहाँ पर हमें एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और जैसा कि दोस्तों कैमरा समय यहाँ पर सेम देखने को मिलने वाले हैं 50+8+2 MP के। और दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें कैसा देखने को मिलने वाला है ये आप सभी जानते हैं, Redmi 10 Prime की तरह ही ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये इंडिया में हमें अराउंड यहाँ पर 9,000 से 10,000 रुपए की प्राइस पर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि G70 का चिपसेट हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जिससे ये कन्फर्म है कि Redmi यहाँ पर कहीं ना कहीं इस स्मार्टफोन को 9,000 से 10,000 रुपए की प्राइस पर लॉन्च करने का प्लान बना रही है। सो गाइस आप सभी इसके बारे में क्या सोचते हैं यार, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और हाँ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।